सीएम नीतीश शुक्रवार को नए बस टर्मिनल और हाईटेक कृषि भवन का करेंगे उद्घाटन। बस अड्डा से कल से बसों का परिचालन होगा शुरू। बिहार में 4 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी बदले गए। कटिहार में लोगों ने बनाया पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर, कहा दिखने लगी विकास की किरण। बिहार में कोरोना का कहर जारी, फिर मिले 1552 मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 15,118। सीएम पीएम पर बरसे पप्पू यादव, कहा एक ने शिक्षा के नाम पर निजी संस्था को किया मालामाल, दूसरे युवाओं को पकौड़ा तलने की देते हैं सलाह। औरंगाबाद सदर अस्पताल के कर्मी ने शराबबंदी की उड़ाई धज्जियां, जमकर काटा बवाल। गुरुजी चले थे शादीशुदा महिला को भगाने, परिवार द्वारा नाक और कान काट डालने जाने का मामला सामने आया। शिक्षक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना राजस्थान के बाड़मेर।